गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संडिलिया ब्लॉग्स। तो गाइज, आज जो है राइड का शुरुआत हो रहा है फिर से। तो इस राइड में जो है आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, और अभी भी मैं उसी जगह पे हूँ जो पिछला एक वीडियो जब मैंने बनाया था, तो मैं उसी जगह पे खड़ा था। मतलब यहाँ से थोड़ी दूर था, अभी लगभग जो सिवान हाईवे जाता है और यहाँ से मीरगंज को पीछे जाता है वहीं पे खड़ा हूँ, और मेरे बगल में देख सकते हो तो आप, ये रेलवे लाइन भी है थावे वाला, जो कि सिवान से होते हुए थावे को जाती है, उससे आगे जाती है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है उतना। तो गाइज़, अभी का जो राइड है, मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ गोपालगंज से, क्योंकि कल से मेरा राइड है। वो कहाँ का राइड है, बहुत एडवेंचरस राइड होने वाला है। अनाउंसमेंट इस जर्नी के दौरान आपसे करेंगे, बातें करेंगे, शेयर करेंगे, प्लान कौन कौन जा रहा है, कैसे जा रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं, सारे चीज़ आपको मिलेंगे। तो यार गाइज, चैनल के साथ बने रहना, पहली बार आए हो तो जाओ यार सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो यार, अभी माइक का इशू था तो यहीं पे रोक के हाईवे के पास मैं माइक का सेटअप थोड़ा सा कर रहा था, दूसरा माइक चेंज कर रहा था। अगर आप देखोगे तो पहले से भी एक माइक लगा रखा है, पर उसमें आवाज़ का थोड़ा सा इशू है। मैंने रिकॉर्ड किया था पर आवाज़ नहीं आया, तो फिर से मुझे करना पड़ा है, और अब की बार देखते हैं इसका करके। ये देख सकते हो बाइक, यहाँ पर देख रहे हो सामान, क्योंकि सारे सामान कैंप वम्प थे वो सब यहीं पर आ गए थे। तो ये देखो, तो निकलते हैं, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी फिर से इस हेलमेट के अंदर दो माइक को मैंने सेट कर लिया है अलग अलग जगहों पे। मैं टेस्ट कर रहा हूँ किसी एक माइक से भी तो जो आउटपुट है आवाज़ का वो सही निकल कर आए, और मैं थोड़ी थोड़ी देर के इंटरवल पे चेक कर रहा हूँ। अभी मतलब एक नॉर्मल स्पीड में चेक कर रहा हूँ मैं, 30-35। सर सारे, इतने सारे ब्लॉगर हैं वो, उनका मैंने बहुत सारे का वीडियो देख लिया है यार यूट्यूब के, यार सभी के हो जाते हैं, अच्छे आ जाते हैं यार। कम से कम मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, वो जो वॉइस कर 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 आवाज़ कम रहेगा कोई दिक्कत है यार, फिर से आवाज़ आना चाहिए यार कम से कम। बहुत दिक्कत होता है यार इसके कारण, हेलमेट देखा है क्योंकि ऐसे स्टील वर्क का मेरा हेलमेट है, हेलमेट का मे भी इशू हो सकता है। ये 40-45 के बीच में मैं चेक कर रहा था, अब थोड़ा सा धीरे कर लेता हूँ। कल का जो राइड होने वाला है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल राइड होने वाला है, बहुत ही अलग राइड होने वाला है। कहाँ जाऊँगा वो पता नहीं है मुझे, बस आपको बताएंगे, नहीं अभी बताएंगे, बस इस वीडियो के आखिरी में बताएंगे मैं कहाँ जाऊँगा, क्या कैंपिंग करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब लॉन्ग राइड पर जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कैंपिंग करूँ। आप फिर सोचोगे यार नॉर्थ सिक्किम में आपने नहीं किया, तो नॉर्थ सिक्किम मैं जब गया था ना तो वहाँ पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, इसलिए मैं कैंप लेकर गया ही नहीं था। यार सही तो नहीं हुआ, कोई नहीं, सही हो नहीं हो क्या करना, हम समझ सीखे नहीं हुआ, या तो पता नहीं कुछ ख़राब है एडाप्टर या माइक तो इतने सारे हैं, सारे तो ख़राब नहीं हो सकते हैं, एडाप्टर मेरा तो इशू होगा, नया एडाप्टर है। बहुत देर से यार नींद आ रहा था, तो सोचा यार आपसे अगर बातें होगी तो मेरा नींद खुल जाएगा, और रुकने का ये कारण भी था यार, नज़ारे देखो यार, चारों तरफ गेहूं ही गेहूं है, मतलब क्या नज़ारे हैं यार, बता नहीं सकते हैं। हमारे जो किसान भाई है इतने ठंड में भी काम कर रहे हैं, और आप नज़ारे देख सकते हो यार, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा आ रहा है। ए भाई कुत्ते हट जाओ। और ये राइड जो आज का जो ब्लॉग है ना, वो राइड अनाउंसमेंट ब्लॉग है, तो मैं इस ब्लॉग में जो राइड, अगला राइड मेरा जो होने वाला है उसका अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, और वो राइड मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल राइड होने वाला है। तो
आप समझ सकते हो कहाँ पे इंटरनेशनल राइड का जो मतलब सोच कर ही एक अलग फीलिंग आती है यार। इंडिया में बहुत जगह गए हैं पर इंटरनेशनल चाहे कोई भी हो, भारत का जो बाउंड्री के अगले तरफ पहुँचना समय रहा ना, तो मेरा जो फर्स्ट इंटरनेशनल राइड है वो कल से वो शुरू होगा और 9th of January से। और वो जो राइड है वो राइड नेपाल को होने वाला है। तो कल हम लोग निकलेंगे हम और नम अभी पिपरा कोठी हम लोग तो फाइनली अभी पिपरा कोठी पहुंच चुके हैं। तो कल भी इधर से एक बार गुजरना होगा क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले ना हैं, वो इधर से ही जाएंगे रक्सौल। ये है पिपरा कोठी और चाय वाय देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। इधर से हमें जाना है राइट, अभी इधर से जाना है राइट। चाय वाह यहीं है चाय, पैसा ऐसा है। अभी यार काटी में रुके, काटी में क्योंकि जो मेरा बैटरी था वो पूरा डिस्चार्ज हो गया था। छः बज चुके हैं काफ़ी समय लग गया क्योंकि आज लॉन्ग 6:03 हो गए और कॉल भी आ गया था नेहा का। तो रुके यहाँ पे और सोचे रुके हैं तो चलो बैटरी भी चेंज कर ही लेते हैं या चार्ज में लगा लेते हैं। तो पावर बैंक से चार्ज में लगा लिए। ओके फिर अभी बैठते हैं यहाँ से। यार इतना ये एक चीज है, ये नया वाला जो मैंने ऑर्डर कर लिया है उससे ज्यादा है, उसे तो ज्यादा है ठंड रियली यार। इतना मतलब ठंड थोड़ा भी लगता ही नहीं। मे भी ये प्रोटेक्टिव नहीं है और उतना प्रोटेक्टिव नहीं है जितना मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब मान लो कभी खुदा ना खासा गिर गया तो वो उतना प्रोटेक्ट नहीं करेगा जितना वो सब प्रोटेक्ट करता है। तो भाई ठंड वाले इलाके में क्योंकि तो मैं जब नॉर्थ सिक्किम गया था मैं भैया एक चीज़ सीख गया था, कभी यार अगर उस समय एरिया में जाते हो तो ऐसा कपड़ा जरूर लेकर जाओ और जो आप राइडिंग कर रहे हो ना तो आपके ग्लव्स बहुत अच्छे होने चाहिए। यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था उस समय, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी यार। ऐसा उतना डर तो मुझे कभी घाव मान लो कभी ऊँड हो गए होंगे तब भी नहीं हुआ होगा जितना उस समय मुझे दर्द किया था यार।
सच में मतलब कैन फट गई थी, मतलब साइलेंसर पे ऐसे करके गरम हाथ को रख देते थे 10-10 मिनट। अब समझो दो नंबर में ही लगातार चल रहा है गाड़ी, दो नंबर तीन नंबर तो रेयरली, दो नंबर में चल रहा है। और तब अब समझो कितना हीट रहा होगा, तब जाके उस पर मैं रख देता था हाथ 10-10 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं होता था, कुछ मुझे फील ही नहीं होता था। चलो यार मिलते हैं आपसे आगे, घर पे ही अब पहुँच के मिलेंगे बस डायरेक्ट।